डॉन 3 से मोटा पैसा वसूल रही है कियारा आडवाणी। जंगली बिल्ली बनने के लिए एक्ट्रेस ने बढ़ाई 50% की फीस। पहले 4 करोड़ तक करती थी चार्ज, अब सीधे 3 गुना का मिला है हाइक। रणवीर सिंह के साथ रोमांस करने, बवाली एक्शन करने के लिए कियारा ने जो मोटी फीस ली है, उसके बारे में जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कियारा आडवाणी ने अब तक चार्ज किए गए अपने फीस रेट में 50% का हैट्रिक मारा है और डॉन 3 के लिए करीब 13 करोड़ रुपए चार्ज कर लिए हैं। कियारा फिल्म के एक्शन के लिए काफी एक्साइटेड है। बताया जा रहा है कि ये उनकी वॉर 2 से 50% ज्यादा फीस है। अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा की खबरों के अनुसार कियारा आडवाणी ने डॉन 3 के लिए 13 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी फीस है और कियारा आडवाणी को डॉन 3 के बड़े लेवल के एक्शन सीन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि रणवीर और कियारा थाईलैंड के मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में अपने एक्शन स्किल्स और तेज करेंगे। मिड डे के ताजा अपडेट के मुताबिक ये पता चला है कि रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी आने वाली डॉन 3 के साथ अपने पहले कोलैब की शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्टर फरहान अख्तर के कहने पर अपनी एक्शन से भरपूर तैयारियों में जुट गए हैं। फरहान इस प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरू और खत्म करना चाहते हैं ताकि काम आगे बढ़ सके। डॉन 3 को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है ताकि जब ये बड़े पर्दे पर आए तो आसमान तक इसके सक्सेस और लार्जर देन लाइफ होने की गूंज पहुंचे। और तो और, बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट 275 करोड़ रुपए तय किया गया है। हालांकि इसमें फिल्म का प्रोफेशनल यानी प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट शामिल नहीं है। खबरें थी कि इमरान हाशमी को डॉन 3 में विलन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है, मगर इमरान ने खुद साफ किया कि मेकर्स ने उन्हें इस फिल्म के लिए कभी अप्रोच ही नहीं किया था। डॉन 3 की शूटिंग अगस्त 2024 में शुरू होनी है। इसे 2025 में रिलीज किया जाएगा, इसीलिए फिल्म की तैयारियां जोरों पर चल रही है। अब इतने बड़े स्टार्स जिस फिल्म में होंगे और फिल्म को हाई ऑक्टेन बनाने की सारी तैयारी जो हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि स्टार्स की फीस भी तगड़ी ही रहने वाली है। हालांकि कियारा आडवाणी सचमुच में 13 करोड़ रुपया फीस के तौर पर ले रही है, ये बात अभी फिल्म के मेकर्स की ओर से साफ नहीं किया गया है। किसी भी तरह की ऑफिशियल बयान नहीं दी गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बात सच साबित होती है तो कियारा इस फिल्म के बाद से बॉलीवुड की ए लिस्टर एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो जाएंगी और कियारा भी दीपिका, कटरीना, आलिया की तरह ही हाई पेड एक्ट्रेस बन जाएंगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें।